अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक, न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड, इट्स डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द केमिकल बॉन्ड इज बॉन्ड एज द फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स विच होल्ड्स आर बाइंड द एटम्स आइंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। आपने डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें आप देखें, अगर हम वाटर की बात करें, इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है। तो उसमें देखें, ऑक्सीजन एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हुए होते हैं, एक सॉलिड लाइन के साथ वो अटैच होते हैं। वो जो सॉलिड लाइन होती है असल में उसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। असल में वो क्या चीज़ होती है, वो एक बाइंडिंग फोर्स है जो कि दो एटम्स को होल्ड करके रखती है, यानी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। बिफोर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिड्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंसिड्रेशन से पहले जो बाइंडिंग फोर्स, वो बाइंडिंग फोर्स जो दो एटम्स को जोड़ के एक मॉलिक्यूल के अंदर रख रही है, उसको कंसिडर किया जाता है, वो एटम की बाइंडिंग फोर्स है। दरअसल वो क्या चीज़ है, एटम्स की कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी है, जिसको क्या कहा जाता है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू मेक अ बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। यानी कि वैलेंसी किसी एटम की कैपेसिटी होती है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कैसे मिलेगा। जैसे आप हाइड्रोजन को देखें, इसकी वैलेंसी 1 है, इट्स मीन कि हाइड्रोजन ऑनली 1 बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम के साथ। अगर हम ऑक्सीजन की देखें, इसकी वैलेंसी 2 है, इट्स मीन कि ऑक्सीजन ऑनली 2 बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। लेकिन ये जो वैलेंसी का कंसेप्ट है, ये एक क्लासिकल कंसेप्ट है, यानी ओल्ड कंसेप्ट है। नाउ अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो बहुत सारी न्यू थ्योरीज ने इस क्लासिकल कंसेप्ट को रिप्लेस कर दिया है। अब यानी कि जो केमिकल बॉन्ड होता है, वो ना सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के वजह से बनता है, बल्कि वहाँ पे डिफरेंट और फोर्सेस भी होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एटम्स की होल्डिंग के लिए। वो कौन कौन सी हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और आयन डाइपोल फोर्सेस। अगर हम हिस्ट्री की बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो साइंटिस्ट इन थॉमसन ने ये सुजेस्ट किया था कि जो हमारे पास डिफरेंटली चार्जड एटम्स होते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं केमिकल बॉन्डिंग। डिफरेंटली चार्जड एटम से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो वो एक दूसरे की उनकी जो आपस में अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी वजह से केमिकल बॉन्ड बनेगा। कोसल ने इन 1961 टू पास्टुलेट्स दिए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। उसने कहा कि वो एटम्स जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस को नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इनको इनर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इन दूसरों के साथ रिएक्शन इनके बहुत कम होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर्ट गैसेस। यानी कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिनकी नेचर होती है, वो इनर्ट गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगी, रिलीज़ कर लेंगी। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो उनके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आयन एंड इट्स टाइप्स में। और जब पॉजिटिव आयन की फॉर्म में वो जाएंगी, तो उस टाइम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इनर्ट गैस जैसी हो जाएगी। उसके बाद उसका सेकंड पास्टुलेट ये था कि वो एटम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह करना चाहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो वो क्या, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। अब नेगेटिवली चार्जड स्पीशी का जो है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से रिजेंबल हो जाएगी। अब यानी कि वो बॉन्ड जो दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। लीविस ने भी
केमिकल बॉन्डिंग के बारे में 1916 में कहा कि ज़रूरी नहीं है कि केमिकल बॉन्ड जस्ट आयनिक स्पीशीज़ के दरमियान ही बने, बल्कि कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जी, तो आज का हमारा टॉपिक था केमिकल बॉन्ड। What are chemical bonds? Its valency, concept of valency and history of chemical bonding. ये हमारा इस लेक्चर का पार्ट वन था। इंशाल्लाह बहुत शेल्फ में पार्ट टू लेके आऊँगी, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स फॉलो होते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ये इंशाल्लाह हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं हाज़िर होंगी एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।